जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, कुशलतापूर्वक स्वास्थ्य लाभ का आनंद ले रहे होंगे और अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए, उस टॉपिक की आपसे बात करनी है मुझे। वो टॉपिक जो है उपसर्ग का टॉपिक है, और उपसर्ग कैसे पढ़े जाते हैं, उपसर्ग कैसे सीखे जाते हैं, इस मैटर पर आज आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो उपसर्ग क्या है इसकी बात अपन कर लेते हैं। हेडिंग डालिएगा उपसर्ग जी। उपसर्ग हेडिंग डालिएगा और ये मैंने लिख दिया है उपसर्ग। लिखिएगा उप और सर्ग, दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप यानी आगे या पूर्व, सर्ग का मतलब सृष्टि या निर्माण। तो उपसर्ग कौन है? एक तो पहले आएंगे और एक नए नए शब्दों की सृष्टि करेंगे या नए नए शब्दों का निर्माण करेंगे। तो जो नए नए शब्दों की सृष्टि या निर्माण कर दे और जो मूल शब्द के पहले लगे वो उपसर्ग कहलाता है। बतौर परिभाषा हम क्या लिखें? हम लिख सकते हैं, परिभाषा अगर बात करें तो हम लिख सकते हैं कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो कि किसी मूल शब्द के आगे या पूर्व मैं जुड़कर नए नए शब्दों की सृष्टि या निर्माण करते हैं। यानी जो नए नए शब्द बनाता है, नए नए शब्दों की सृष्टि करता है, नए नए शब्दों का जो निर्माण करता है वो कौन है? जी उपसर्ग है। वो क्या है? उपसर्ग है। समझे? ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या है आगे सुनिएगा। अब अगर उपसर्ग की विशेषताओं की हम बात करें तो एक विशेषता तो हमें यह दिख रही है कि मूल शब्द के पूर्व जुड़ेगा। जो मूल शब्द के आगे जुड़ेगा, पूर्व जुड़ेगा, वो उपसर्ग है। दूसरी विशेषता ये भी दिख रही है कि शब्द के अंश है, शब्द नहीं है। ये क्या है? शब्द नहीं है, शब्द के अंश है। और शब्द के अंश है तो यानी कि ये किसी भी शब्द के साथ जुड़े तो रहे हैं लेकिन पूर्व में जुड़ करके और नए नए शब्दों का निर्माण कर। ओके, तो बतौर परिभाषा उपसर्ग की विशेषताएँ हमें लिखनी चाहिए कि आखिर उपसर्ग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हेडिंग डालिए उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की विशेषता नंबर एक, उपसर्ग शब्दांश होते हैं अर्थात शब्द के रूप में कार्य नहीं करता। पहली परिभाषा, पहली विशेषता कि उपसर्ग क्या है? शब्दांश है।
शब्दों के अंश हैं, उपसर्ग शब्दांश हैं, और जो शब्दांश होते हैं वो हमेशा शब्द के रूप में नहीं आ सकते क्योंकि उनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं होता। शब्दांश कभी भी स्वतंत्र नहीं लिखा जाता। ओके, तो उपसर्ग जो शब्दांश है वो शब्द के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकते। अब जब ये शब्दांश है शब्द के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकते तो दूसरी विशेषता क्या होगी, ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं होते। उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है, ये दूसरी इसकी विशेषता है कि जो भी उपसर्ग आपके सामने है उसका स्वतंत्र प्रयोग संभव नहीं है। यानी हम उपसर्ग के माध्यम से कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि उपसर्ग खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, और जो खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है वो दूसरे के लिए स्वतंत्रता क्या देगा। ओके, तो दूसरी जो कहानी है वो ये उपसर्ग शब्दांश है तो स्वतंत्र नहीं होते। अच्छा, शब्द अगर होता ना तो स्वतंत्र भी हो जाता, लेकिन शब्द है ही नहीं, शब्द है ही नहीं। जो शब्द नहीं है वो स्वतंत्र भी नहीं है। नंबर तीसरी बात, उपसर्ग अव्यय की तरह लिंग वचन से प्रभावित नहीं होते। जो उपसर्ग होते हैं ना वो लिंग वचन के रूप में कभी भी प्रभावित नहीं हो सकते लिंग और वचन से। यानी कि लिंग क्या है वचन क्या है ये उपसर्ग के आधार पर बदला नहीं जा सकता। उपसर्ग में लिंग वचन से बदलने की क्षमता नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि उपसर्ग अव्यय की तरह काम करता है। अव्यय क्या होता है सर? अव्यय का मतलब है ए प्लस व्यय। इसका मतलब खर्च नहीं, और खर्च किससे नहीं, खर्च किससे नहीं होते? लिंग वचन से अप्रभावित, लिंग वचन से परिवर्तित नहीं होते। यानी जैसे अव्यय है वो व्यवहार उपसर्ग करेगा। अव्यय क्या व्यवहार कर रहा है? अव्यय क्या व्यवहार कर रहा है? लिंग वचन से नहीं बदल रहा। तो उपसर्ग क्या करेगा? उपसर्ग भी लिंग वचन से नहीं बदलता है। तो ये आपको याद रहेगा कि उपसर्ग अव्यय की तरह लिंग वचन से प्रभावित नहीं होता है। ओके, अगली बात, उपसर्ग केवल मूल शब्द के आगे ही प्रयुक्त होता है। प्रत्यय की तरह, सॉरी अव्यय की तरह, प्रत्यय नहीं अव्यय, अव्यय की तरह मूल शब्द के पीछे नहीं लगते। अव्यय की तरह मूल शब्द के पीछे प्रयुक्त नहीं। यह आप लिखिएगा,
कि जो मूल शब्द होता है उसके पीछे नहीं लगाया जा सकता इसको उपसर्ग। अच्छा, अव्यय को तो हम लगाते थे, जैसे हम लिखे कुशलता पूर्वक, तो पूर्वक जो लग रहा है ना ये अव्यय है, तो अव्यय तो पीछे लग जाता है लेकिन उपसर्ग कभी भी पीछे नहीं लगता। क्या समझे? उपसर्ग कभी भी पीछे नहीं लग पाता। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। क्लियर है बात? समझ में आ रहा होगा सब कुछ आपके? जी। अगली बात सुनिए, अगला पॉइंट। उपसर्ग उसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिख देते हैं। सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं। क्या सुना आपने? जो सभी उपसर्ग है ना सारे, वो अव्यय होते हैं। सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं। तो सभी उपसर्ग अव्यय होते हैं, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो भी उपसर्ग हैं वो अव्यय के रूप में आते हैं काम में, ओके? और जो अव्यय के रूप में काम में आते हैं तो वो सभी के सभी उपसर्ग, जो सभी के सभी उपसर्ग हैं ये एक तरह से अव्यय के छोटे रूप में काम में आते हैं। जो अव्यय होता है ना, ये मान के चले कि अव्यय का छोटा भाई की तरह काम कर रहा है। कौन? उपसर्ग। जी, लेकिन यहां पे एक बात और है। सभी अव्यय उपसर्ग नहीं होते। यानी कि आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे सभी जादौन राजपूत होते हैं लेकिन सभी राजपूत जादौन नहीं होते। तो बड़ा कौन है? राजपूत यानी अव्यय। छोटा कौन? जादौन यानी उपसर्ग। उपसर्ग सभी मिलके अव्यय बनते हैं। जादौन भी मिलकर के किसके पास जाते हैं? राजपूत जाति के पास जाते हैं, क्योंकि राजपूत जाति है जिसका विभाजन जादौन के रूप में भी है, सेंगर, सिंसिनबार और दुनिया भर के अलग अलग गोत्रों के रूप में। लेकिन वो उसी का पार्ट है, वो है राजपूत, इसी का हिस्सा वो राजपूत। तो ऐसे ही अव्यय का एक तरह से छोटा सा रूप है कौन? उपसर्ग। ये बात आप समझ गए? ओके, अब आगे की बात करते हैं। आगे सुनिए। उपसर्ग स्वयं का एक अर्थ होता है, जो कि नए बने हुए शब्द के अर्थ में शामिल भी होता है। सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जो उपसर्ग है उसका खुद का एक अर्थ है, बिना अर्थ के कोई उपसर्ग नहीं होता। तो उपसर्ग स्वयं का एक अर्थ है और वो उपसर्ग का जो अर्थ है वो नए बने हुए शब्द के अर्थ में शामिल भी होता है, नए शब्द का निर्माण करता है। तो उपसर्ग जो है वहां पर खुद भी अपना अर्थ लेकर के पहुंचता है। उपसर्ग खुद भी अपना अर्थ लेकर के वहां पर पहुंचता है। कैसे? कैसे? सुनो, जैसे मैंने बोला विज्ञान। अब जैसे वी के दो अर्थ है, वी का अर्थ विशेष भी होता है, वी का मतलब दूसरा भी होता है, विरोधी। अब विज्ञान मतलब क्या हुआ? विशेष ज्ञान। और यदि अपन बोल देते विपक्ष, उसका मतलब दूसरा पक्ष। तो यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जो
उपसर्ग है वी, उसका अर्थ क्या विशेष, यहाँ वी का अर्थ क्या दूसरा, उपसर्ग का खुद का अर्थ भी है और वो नए बने हुए शब्द के अर्थ में शामिल भी हो रहा है, वो अलग नहीं जा रहा है, वो उस अर्थ में मिला हुआ है। क्लियर? हाँ, ये उपसर्ग की एक विशेषता है कि वो स्वयं दूसरे के साथ मिलता है लेकिन अपना अर्थ नहीं खोता, अपने अर्थ के साथ वो बना हुआ रहता है। ओके, चलिए आगे की कहानी पढ़ते हैं। सातवां पॉइंट, नंबर 7 पॉइंट, उपसर्ग अर्थ परिवर्तन का कार्य करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी कहानी है गुरुजी? देखो कहानी यही है कि जो उपसर्ग है ना वो अर्थ में परिवर्तन करता है। अर्थ परिवर्तन का कार्य करता है कौन? उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो अर्थ परिवर्तन का कार्य करता है। अर्थ परिवर्तन का कार्य करता है अर्थात उपसर्ग का प्रयोग करने पर मूल शब्द का अर्थ, मूल शब्द का अर्थ पहले की तुलना में कमजोर या मजबूत कुछ भी हो सकता है। क्या समझे? उपसर्ग का जो प्रयोग करेंगे तो मूल शब्द का जो अर्थ है वो पहले की तुलना में कमजोर भी हो सकता है और पहले की तुलना में मजबूत भी हो सकता है। मूल जो शब्द है वो कमजोर हो जाए या मजबूत हो जाए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उपसर्ग। उपसर्ग का प्रयोग करने पर हो सकता है कि अर्थ पहले की तुलना में और मजबूत हो जाए, उपसर्ग का प्रयोग करने पर हो सकता है कि अर्थ पहले की तुलना में कमजोर हो जाए। तो पहले की तुलना में कमजोर भी हो सकता है, पहले की तुलना में क्या मजबूत भी हो सकता है अर्थ, कब? उपसर्ग का प्रयोग करने पर। ठीक है, आगे सुनिए, आगे सुनिए। यदि उपसर्ग का प्रयोग करने पर शब्द का अर्थ पहले की तुलना में कमजोर हो जाए तो उसे अर्थोपकर्ष कहा जाता है, तो उसे अर्थोपकर्ष कहा जाता है। लेकिन यदि शब्द का अर्थ पहले की तुलना में और मजबूत हो जाए तो उसे अर्थोत्कर्ष कहा जाता है। अर्थ का उत्कर्ष और अर्थ का अपकर्ष दोनों काम हो जाता है। यश माथुर जी, आप पूछ रहे हैं कि हाईकोर्ट LDC का एग्जाम कब तक हो सकता है? सरकार कराएगी इसी साल, तैयारी करते रहो, है ना। विद्या कभी बंध्या नहीं होती, एजुकेशन नेवर इन्फर्टाइल, आपका पढ़ा हुआ कभी नुकसान नहीं करेगा। तो जीवन में पढ़ाई से पीछे मत हटिए, एग्जाम भी होगी
टॉपर भी बनोगे और कब, जब लगातार तैयारी को बनाए रखोगे। यदि बीच में रोकोगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए आप पढ़ते रहो लगातार, मत सोचो ज़्यादा, एग्जाम होगी इस साल ये तय है। शब्द कर्ष पहले की तुलना में अगर मजबूत हो जाए तो उसे अर्थोपकर्ष कहा जाता है, लेकिन यदि पहले की तुलना में और मजबूत हो जाए तो उसे अर्थोत्कर्ष कहा जाता है। ठीक है, ये लिखा आपने अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष की कहानी जी, आगे सुनिएगा कैसे होगा। जैसे मेरे पास ज्ञान शब्द है, मूल शब्द है ज्ञान, संस्कृत वाले इसको ज्ञान बोलते मिलेंगे आप। अब इसके दो रूप पहुंचे, एक विज्ञान एक अज्ञान। विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान, अज्ञान का मतलब ज्ञान नहीं। अब यदि इस अर्थ पे देखें तो यह अर्थ बढ़ गया है, और इस अर्थ पे देखें तो यह अर्थ डाउन हो गया है। तो अर्थ घट भी सकता है और अर्थ बढ़ भी सकता है। अर्थ कमजोर हो जाएगा, अर्थ बढ़ जाएगा, दोनों चीजें। बढ़ जाएगा तो विशेष ज्ञान, घट जाएगा तो ज्ञान नहीं। हाँ, है ना, समझ गए। तो ये कहलाएगा अर्थोत्कर्ष, और ये कहलाएगा अर्थोपकर्ष। अर्थोत्कर्ष और अर्थोपकर्ष दोनों शब्दावली है, अर्थ का उत्कर्ष और अर्थ का अपकर्ष। अर्थ कमजोर भी हो सकता है, अर्थ मजबूत भी हो सकता है। समझे, ये बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि शब्द का अर्थ पहले की तुलना में कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है। कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। अब अर्थोत्कर्ष की बात करें तो ये तो गुण संधि है, मान लेते हैं अर्थ प्लस उत्कर्ष, पर ये कौन सी संधि है भाई। अगर आप सोचो कि अर्थ प्लस अपकर्ष लिख दें तो अर्थापकर्ष बनेगा ए मिल करके तो, और अगर आप सोचो कि अर्थ प्लस उपकर्ष लिख दें तो उपकर्ष में ऊ कोई शब्द, ऐसा होता ही नहीं है, उपकर्ष कोई शब्द ही नहीं होता। ये होता है अर्थे प्लस अपकर्ष। विषयक संधि है, विषय के पहले ए हो बाद में हो तो एक ए को ओ में बदल देते, दूसरे का लोप हो जाता। तो अर्थ का उत्कर्ष भी हो जाता है, अर्थ का अपकर्ष भी। बात सही है, अर्थ का उत्कर्ष और अर्थ का अपकर्ष। अर्थ बढ़ भी सकता है, अर्थ कमजोर भी हो सकता है जी। अर्थ है प्लस अपकर्ष, अर्थ प्लस उत्कर्ष। आगे चलिए, अगले रूल पे चलते हैं। ये सातवां है, आठवां सुनिए। उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़कर पूर्व लिख दो, पूर्व जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करता है। जिससे भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे भाषा के
शब्द भंडार में वृद्धि होती है और भाषा का स्तर वैश्विक पटल पर और ऊंचा होता है। वैश्विक स्तर पर जो भाषा है वो और मजबूत हो जाती है, जिससे उपसर्ग के कोई भी भाषा है वो वैश्विक स्तर पर बड़ी कम मानी जाती है जब वहाँ पे नए नए शब्द उस भाषा के पास हो, बहुत सारे शब्द उस भाषा के पास हो। और चूंकि उपसर्ग के पास ये चीज़ है, शब्दों की कमी नहीं है, उपसर्ग आएगा नए नए शब्द बनाता जाएगा, तो उपसर्ग के आने से भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि होती है और ऐसा होने से भाषा वैश्विक स्तर पर वैश्विक पटल पर और उच्च हो जाती है, बड़ी मानी जाती है, उत्कृष्ट मानी जाती है। समझ गए जी? इसे लिख लीजिएगा, उपसर्ग मूल शब्द के साथ जुड़ेंगे, नए नए शब्दों का निर्माण करेंगे, भाषा के शब्द भंडार में उससे वृद्धि होगी तो भाषा का वैश्विक स्तर बढ़ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे साहब, ये भाषा का वैश्विक स्तर कैसे बढ़ता है गुरुजी? तो देखो, दुनिया में जो भी भाषाएं हैं वो कब बड़ी मानी जाती हैं? जब उन भाषाओं का लेवल किस तरह का होता है, ज्यादा से ज्यादा शब्द उनके पास होते हैं, ठीक है? तो कोई भी भाषा, उसके पास जितने ज्यादा शब्द होंगे वो भाषा उतनी बड़ी मानी जाएगी। क्या समझे आप? किसी भाषा के पास जितने ज्यादा शब्द होंगे वो भाषा वैश्विक स्तर पर उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। ओके, बात क्लियर है? भाषा का वैश्विक स्तर कब बढ़ता है? जब भाषा के पास बहुत सारे शब्द हो, शब्द ज्यादा से ज्यादा उसके पास होने चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा शब्द भाषा के पास होंगे, भाषा का वैश्विक लेवल बढ़ा हुआ दिखे, ओके? और भाषा का जब वैश्विक लेवल बढ़ा हुआ होगा तो भाषा उच्च स्तर पर मानी जाएगी, बड़ी मानी जाएगी, है ना? तो ये जरूर याद रखिएगा कि भाषा का स्तर बढ़ाने के लिए, भाषा को उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए, भाषा का काम उत्कृष्ट रूप में करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दों की आवश्यकता है, ज्यादा से ज्यादा शब्दों की आवश्यकता है। शब्द बहुत सारे होने चाहिए, शब्द होंगे भाषा का स्तर बढ़ जाएगा जी। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। सुनिए, पहले इसके उदाहरण मैं आपको समझा देता हूं, इसके कुछ एग्जांपल्स की बात मैंने आपसे करी नहीं है। जैसे मान लो मेरे पास कोई शब्द है देश, एक शब्द है मेरे पास, क्या मान लीजिए मेरे पास शब्द है देश, तो इसी देश से उपसर्ग लगाओ, विदेश, परदेश, अनुदेश, आदेश, है या नहीं? पर उपदेश, ये सब किससे बन रहे? उपसर्ग लगाया, ये परदेश है, आपको सही दिख नहीं रहा हो,
एक पर्दे से तीर का निशान से टच हो जाता, परदेश। तो बेसिक जो तथ्य है वो यही है कि जब भी उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो वो नए नए शब्दों का निर्माण करेगा, और जब नए नए शब्दों का निर्माण करेगा तो भाषा के शब्द भंडार में वृद्धि होगी, भाषा का शब्द भंडार उतना ही बड़ा होगा, उतना ही उत्कृष्ट होगा। हाँ या ना जी? मैं कुछ और शब्द आपको दिखाता हूँ दूसरे, जैसे हार, मैंने मूल शब्द का हार। अब इसमें आप उपसर्ग लगाओ, आहार, आ लग गया, बिहार, बी लग गया, संहार, सम लग गया, प्रहार, प्र लग गया, प्रतिहार, प्रति लग गया, परिहार, परी लग गया, उपहार, उप लग गया, उद्धार, उत लग गया। ये उत है उपसर्ग यहाँ पर, और ये उप है, सॉरी ये उप है उपसर्ग। शब्द एक ही था मूल हार, एक ही मूल शब्द था हार, लेकिन जैसे जैसे शब्द बनाते गए नए नए शब्दों का निर्माण होता रहा। ओके, तो नए नए जो शब्द बनते हैं, जो नए नए शब्द बनते हैं बेसिकली किससे बनते हैं? उपसर्गों से। इसीलिए कहते हैं कि बिना उपसर्ग के क्या भाषा, भाषा की विविधता चाहिए, भाषा का बड़ा रूप चाहिए। उस भाषा को व्यापक बनाना है, उसके साहित्यिक शब्दावली बहुत सारी चाहिए, उस सब में हेल्प कौन करता है? उपसर्ग। ओके, आगे सुनिए अगला पॉइंट, आठवीं विशेषता थी, नौवीं विशेषता देखिएगा। एक ही शब्द में उपसर्गों की संख्या एक, दो या अधिक भी हो सकती है। जो उपसर्ग है ना, उनकी संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। आप सोच रहे हो कैसे हो सकती है गुरुजी? सुनो, जैसे अभी मैंने लिखा पर्यटन, पर्यावरण, अप्रत्याशित, दुर्व्यवहार, ये शब्द हैं। पर्यटन, पर्यावरण, अप्रत्याशित और दुर्व्यवहार, ये शब्द है आपके सामने, ठीक है? एक, दो या अधिक, मतलब तीन। अधिक का मतलब यहां किससे? तीन से। जैसे देखो, परी प्लस टन यानी संधि है, पर्यटन, परी आवरण, पर्यावरण, ए प्रति आशा इत, दुर बी अब हा, पर्यटन, पर्यावरण, अप्रत्याशित, इत लगा हुआ है, इत
अप्रत्याशित और दुर्व्यवहार। याद रहेगा अप्रति आशाइत परि आवरण परि अटन दुर्व्यवहार। बात समझ में आई क्या? अब यहां पे आपको ढूंढना है कि उपसर्ग कितने लगे हो, आपको ढूंढने के उपसर्ग कितने लगे हो। ओके, यहां देखो ये एक उपसर्ग है, यहां पे दो उपसर्ग है, यहां पे भी दो ही है क्योंकि ये मूल शब्द रहा और ये इसके साथ प्रत्यय लगा हुआ, ये उपसर्ग नहीं है प्रत्यय। मूल शब्द वो होता है जिसके टुकड़े करने पर अलग अलग सार्थक शब्द नहीं निकले, यानी टुकड़े करने पर अलग अलग सार्थक टुकड़े नहीं हो उसके, वो क्या कहलाता है? मूल शब्द। ए प्रति आशा इत, और इधर देखिए दुर वी अब हार, यहां पे मूल शब्द। समझ में आया? तो एक ही शब्द में जो उपसर्गों की संख्या है वो भाई साहब अलग अलग हो सकती है, एक ही शब्द में उपसर्गों की संख्या अलग अलग हो सकती है। बात समझ में आई? शब्द देखिए, उपसर्ग अलग अलग हो सकते, तो उपसर्गों की जो संख्या है अलग अलग कैसे हो सकती है, इसके बारे में अपन बात करें। यहां पे देख लो परि आ ए प्रति और दुर्वि अब लिखा आपको जी। तो ये एक थोड़ी सी कहानी है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है? अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द कौन सा है, ये कई बार पूछ लिया है। और विद्यार्थी क्या है कि बच्चा खा जाते हैं, चूक जाते हैं, क्योंकि विद्यार्थियों को चूकना नहीं चाहिए, उनको याद रखना चाहिए कि कैसे कहानी है, बाजी पलटेगी तो कैसे पलटेगी, तो ये चीज़ तो आपको याद रखनी है। सुरक्षित रहिए इस चीज़ में कि मूल शब्द कौन सा है, वरना आप नुकसान उठा सकते हैं। तो मूल शब्द पर आपको काम करना ही पड़ेगा, मूल शब्द पे आपको काम करना ही पड़ेगा। समझ गए? जी। अपनी तरफ से बात क्लियर है? आपको जितना समझाना था वो मैंने समझा ही दिया है। बस इतना जरूर आप याद रखिए कि जब भी आपसे मूल शब्दों की बात की जाए तो उसके टुकड़े करके आपको देखने पड़ेंगे, और अगर टुकड़े करने पे अलग अलग अर्थ नहीं निकल रहा किसी शब्द का तो स्वतः मान लो कि वो मूल शब्द है, और अगर टुकड़े करने पर अर्थ निकल जाता है इसका मतलब मूल शब्द नहीं है। तो मूल शब्द कौन से होते हैं? जिनके टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ नहीं निकलते। ओके जी।
चलो अगली विशेषता सुनिए, नंबर 10, उपसर्ग का प्रयोग करते समय संधि के रूप का ध्यान रखा जाए, संधि के रूप का ध्यान रखा जावे, यानी उसमें जो संधि हो रखी है ना उसको डिस्टर्ब नहीं करें, संधि का जो भी वास्तविक रूप है उसको रखा जाए, उसको इग्नोर नहीं किया जाए। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो कि उपसर्ग का प्रयोग करें तो संधि के रूप का हमेशा ध्यान रखें, उसे इग्नोर नहीं करें। ओके, कैसे? आपके सामने शब्द आ गया अध्यूढ़, अध्यूढ़ मान लो, जैसे ऐसा आपके सामने शब्द आ गया न्यून, तो अधि प्लस ऊढ़ा क्या हो जाएगा अध्यूढ़ा, नी प्लस ऊन क्या हो जाएगा न्यून। अभी अगर आपने गलती कर दी, अधि प्लस ऊढ़ा लिखते समय आपने कोई गलती कर दी, नी प्लस ऊन लिखते समय आपने नी का ध्यान नहीं रखा, तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि अध्यूढ़ा न्यून ये सब शब्द आपको दिमाग में होने ही चाहिए। क्लियर है मित्रों? अधि प्लस ऊढ़ा अध्यूढ़ा, नी प्लस ऊन न्यून। जी चलो, बढ़िया बात है कि आप सब लोगों ने ये सब लिख लिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले कि उपसर्ग होता कितने प्रकार का है, उपसर्ग के प्रकार कितने हैं, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि उपसर्ग के प्रकार बताओ, तो मुझे बताएंगे उपसर्ग कितने प्रकार का होता है? उपसर्ग के प्रकार कितने हैं, क्या आप मुझे बताएंगे उपसर्ग के प्रकार? नहीं मालूम? उपसर्ग विषय के तीन प्रकार के हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। जो उपसर्ग है ना वो मुख्यतः तीन ही प्रकार के हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और विदेशी। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। अब आप सोच रहे होंगे तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, नाम तो सुना, ये क्या होते हैं? कुछ आपको इसका आइडिया भी होगा थोड़ा बहुत। चलो मैं क्लियर कर देता हूं, आगे लिखिएगा उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग के तीन प्रकार हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, विदेशी। तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं? जो संस्कृत वाले हैं ना, जो संस्कृत वाले उपसर्ग वो क्या कहलाते हैं? तत्सम, तत्सम उपसर्ग संस्कृत के हैं। तद्भव कौन से होते? हिंदी भाषा। और फिर विदेशी होते हैं वो अरबी, उर्दू, फारसी, उसके उपसर्ग। तो तत्सम, तद्भव और विदेशी, तीनों बात आपको याद रहनी चाहिए, तत्सम, तद्भव और विदेशी उपसर्ग। क्या सुना? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग।
चलिए आप तत्सम संस्कृत वाले तद्भव जो है वो हिंदी वाले और विदेशी उपसर्ग विदेशी भाषाओं वाले इनके बारे में हमको वन बाय वन सीख लेना चाहिए कि कौन सा उपसर्ग कैसे काम में आता है, क्या इसकी रणनीति है, कैसे इनको याद रखा जाए, क्योंकि एग्जाम में आता है कौन सा तत्सम उपसर्ग है, कौन सा तद्भव उपसर्ग है, कौन सा विदेशी उपसर्ग एग्जाम में आता है, तो कौन सा तत्सम, कौन सा तद्भव, कौन सा विदेशी, ये तो आपको जानने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, याद तो करने पड़ेंगे और याद करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये तत्सम तद्भव विदेशी उपसर्ग आपको अगली कक्षा में एकदम क्लियर अच्छे से याद करा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो और बहुत आसानी से आपको ये सब याद हो जाए। ये क्लास अभी जो है एक घंटे की क्लास थी, तो चूँकि क्लासेस कितने ही लोग घंटे के या दो घंटे चार घंटे भी कम पढ़ते हैं, आज सभी जानते कि क्लासेज का घंटे वाइज कोई वो नहीं होता, कितना ही पढ़ाओ आप कम पढ़ता है। और एक अच्छे टीचर का तो मन वैसे भी नहीं भरता क्लास पढ़ाने से, वो तो चाहता है पढ़ाता रहूँ। अब विद्यार्थियों को इतना कल्याण हो जाए कि बस वो कभी किसी के सामने झूले पसार के ये नहीं गए कि मेरे पे वो चीज़ नहीं आई। पर फिर भी समय पूरा हो चुका है और चूँकि टाइम वेरिएशन की प्रॉब्लम है, तो ऐसी स्थिति में आप क्लास को मास्क तो ऑफ करें। 9 बजे मेरी स्पेशल क्लास है आज ही, जो कि अनअकैडमी के प्लस जो है वाले विद्यार्थी देख सकते हैं, तो प्लस सब्सक्रिप्शन जिन लोगों ने ले रखा है वो विद्यार्थी 9 बजे क्लास में फिर वापस मिलेंगे, फिर वापस आ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, शेष बातें अब आपसे कल करते हैं। ओके, बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी पधारे और आपने क्लास अटेंड करी उसके धन्यवाद। इस क्लास को ऑफ करने का समय आ चुका है, चलिए बंद कर रहा हूँ मैं क्लास को। गुड बाय साथियों।